नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। खूबसूरत लोकेशन, शाम का समय, आमतौर पर घूमने का समय होता है, लेकिन हम आपको पढ़ा रहे हैं नए नए वीडियो के साथ में, नए नए लोकेशन पर, और खूबसूरत सीन दिखाते हैं। ये भी हमारी वीडियो की ही खासियत है। ये इंडिया में पहला वीडियो है जिसमें खूबसूरत सीन दिखाकर पढ़ाई होती है। तो चलिए, सिपाही विद्रोह पिछला टॉपिक था, व्यूअर ने कई उसमें लाइक किया है, कमेंट किया है, शुक्रिया उसके लिए। आज हम लोग सिपाही विद्रोह के बाद की बात करेंगे, क्या परिवर्तन हुआ ये आपको हमने बताया। अब बताएंगे आपको कि परिवर्तन के साथ साथ कि कांग्रेस बनने के पहले, कांग्रेस बनने के बाद कौन कौन सी स्थिति भारत में आई थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि कांग्रेस बनने के पहले भारत का सबसे लोकप्रिय संगठन कौन था, तो सही उत्तर होगा इंडियन एसोसिएशन। 1876 में इस संगठन को सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने कलकत्ता में बनाया था। और ये प्रश्न पूछा जाए कि भारत का पहला राजनैतिक संगठन कौन था, पॉलिटिकल संगठन कौन था, तो सही उत्तर होगा लैंड होल्डर सोसाइटी। थोड़ा सीन भी दिखा देते हैं शाम के समय में, कि आप थोड़ा सीन भी देखें और पढ़ने का मजा भी ले। देखिए देखिए ये खूबसूरत नज़ारा, पानी के जो दृश्य देख रहे होंगे, हम लोग ऊंचाई से शूटिंग कर रहे हैं। ये डैम के नीचे की सीन देखिए, और सामने पुल है, ब्रिज है। और देखिए यहाँ से शाम का समय तो आपको लग रहा होगा, आपको वीडियो भेज रहे हैं। भारत का पहला विदेशी संगठन कौन था? 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी ने बनाया था लंदन में, ये भी आप याद करिए। ऐसी कुछ महत्वपूर्ण चीज आज हम बताएंगे कांग्रेस के पहले। भारत में पहला क्षेत्रीय संगठन जो प्लानिंग करके बनाया गया था 1870 ईस्वी में, वह था, बता सकते हैं, महादेव गोविंद रनाडे का पूना सार्वजनिक सभा जी। और इसके बाद कई संगठन बना, लेकिन वो कुछ ज्यादा नहीं कर पाया भारत। तो फिर बात आई क्रांतिकारी संगठन की, भी जानकारी पहले दे दें आप। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला क्रांतिकारी संगठन कौन था, पहले लिखेंगे 1904 में बनाया गया अभिनव भारत, सावरकर ब्रदर्स ने बनाया था। और अगर यही प्रश्न पूछेगा कि भारत का प्रथम क्षेत्रीय स्तर पर क्रांतिकारी यानी कि रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन कौन था, तो आंसर लिखना है मित्र मिला। 1898 में सावरकर ब्रदर्स ने ही बनाया था, और इसके बाद बना था 1902 में जो अनुशीलन समिति थी। अनुशीलन समिति दो थी, एक ढाका में बनाया गया था 1902 में पुलिन दास के द्वारा, और एक कलकत्ता में बना था बारिंद कुमार, जतीन्द्र नाथ और प्रमोथा के द्वारा। तो ये दो था। अगर विदेश की ओर रुख करें तो आपको तो याद ही होगा 1913 का गदर पार्टी, लाला हरदयाल, सैन फ्रांसिस्को में बना। ऐसे कई संगठन भारत में बने थे। भारत माता सोसाइटी किंग महेंद्र ने बनाया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि सारे क्षेत्रीय संगठन, मतलब चूंकि शाम का समय है तो आपके कैमरा पर देखिए बहुत से कीड़े आ जा रहे हैं, तो हम लोग अब वीडियो को छोटा कर देते हैं और दूसरी वीडियो आपको भेजेंगे। चूंकि इसमें थोड़ी सी आपको भी लगता होगा कि बीच बीच में कुछ आ रहा है, तो वो कीड़ा है जो हमारी कैमरा की लाइट के पास में आ जा रहा है, और आप इसके लिए अलग वीडियो भेजेंगे कि लाइट देखकर कीड़ा क्यों आ जाता है। तो ये क्षेत्रीय संगठन थे, और क्षेत्रीय संगठन के चलते जो है कोई बड़ा मुद्दा हो ही नहीं। और फिर शुरुआत होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से, इसके लिए हम अलग वीडियो आपको भेजेंगे। और थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कत हो रही है हम लोगों को, इसलिए आज इतना ही बताएंगे। नमस्कार, शुक्रिया।